तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि जानते हैं कि अभी हमने पहला पार्ट डाल दिया बीबीडी का, जिसमें हमने आपको बताया कि फ़ीस क्या है, वहाँ का कैंपस किसने बनवाया, क्या नाम पड़ा वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी। अब आता है दूसरा पार्ट, तो इसमें हम आपको बताएंगे स्कॉलरशिप से जहाँ पर हमने पहला वीडियो छोड़ा था उसी के आगे से हम आपको वीडियो में शुरुआत करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते वीडियो में और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ तक तो स्कॉलरशिप की बात होगी। अब आते हैं स्टडिंग एट बीबीडी, यानी बीबीडी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ एट अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के रूप में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। तो वो ये है कि आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़, जैसे 24/7 आपको वहाँ पे पूरा और पूरा मतलब स्टाफ आपके उसमें रहेगा, कि स्टाफ से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी करना, तो आप टीचर आपकी पूरी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि वो जो है कुछ नहीं बताया गया आपको कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब टीचर आपके सपोर्ट में खड़ा है। दूसरा है काउंसलिंग एंड पर्सनल सपोर्ट, आपको काउंसलिंग मिल रही है, पर्सनल सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद है कैरियर सपोर्ट, आपको कैरियर सपोर्ट भी मिल रहा है, कि मतलब आपको कैरियर काउंसलिंग हो सकती है, कि आप क्या करना चाहते हैं अपने करियर में वगैरह वगैरह, सब जानकारियाँ वहाँ मिल जाएंगी। कोर्स के बारे में कुछ जानकारी है, लाइब्रेरी है वहाँ पर, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ भी है, मतलब कि अगर आपका वहाँ लैब में कोई काम है तो वहाँ लैब वगैरह बनी, प्रॉपर लैब होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। जैसे कुछ जगह होता है कि लैब बनी है लेकिन वो संचालन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर लैब का संचालन भी होता है और लैब में आपका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। फिर आता है हमारा लेबोरेटरीज़, म्यूजियम्स एंड स्टूडियोज़, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें भी हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे जिसमें स्टूडियोज़ का, म्यूजियम्स का और लेबोरेटरीज़ का भी काम आता है, तो वो तीनों चीज़ भी वहाँ पे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग लखनऊ के नहीं हैं, जो लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं लखनऊ की बीबीडी में पढ़ने, उनके लिए यानी हॉस्टल। तो बीबीडी कैंपस का जो हॉस्टल है वो बॉयज़ के लिए कुछ इस प्रकार है, बॉयज़ के लिए चार हॉस्टल वहाँ पे बने हैं। पहला हॉस्टल जस्टिस डीपी गुप्ता बॉयज़ हॉस्टल, दूसरा है बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक ए, तीसरा है बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक बी और चौथा है बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक सी। ये चार हॉस्टल वहाँ लखनऊ में बीबीडी के अंदर आपको मिल जाएंगे लड़कों के लिए, और लड़कियों के यानी सेपरेट हॉस्टल है, कंबाइंड हॉस्टल नहीं, सेपरेट हॉस्टल में गर्ल्स के लिए जो है वो श्रीमती विद्यावती देवी गर्ल्स हॉस्टल, निर्मला देवी और शीला देवी, ये तीन लड़कियों के लिए हॉस्टल वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी, सबसे ज़रूरी बात तो ये है। तो हॉस्टल की फ़ीस कुछ इस प्रकार है, कैटेगरी वन है सिंगल सीटर रूम, अगर आप सिंगल सीटर रूम चाहते हैं तो उसमें नॉन एसी की है 1,25,000 और एसी की है 1,90,000। फिर आते हैं कैटेगरी टू डबल सीटर, अगर आप डबल सीटर लेना चाहते हैं मतलब दो बेड्स वाला लेना चाहते हैं, तो उसमें 95,000 है नॉन एसी की और 1,30,000 है एसी वाले कमरे की। कैटेगरी थ्री ट्रिपल सीटर यानी तीन सीट वाला बेड जो होता है, तीन सीट वाला रूम, उसमें 80,000 नॉन एसी की है और 1,05,000 एसी वाले की है। और वन टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी पड़ेगी, यानी एक समय की जो मनी होती है जो कि रिफंड नहीं करी जा सकती, वो सिक्योरिटी मनी, कॉशन मनी आपको जमा करनी होगी, जो कि है नॉन एसी के लिए 5,000 और एसी के लिए भी 5,000 रुपये। तो ये था हॉस्टल का ब्यौरा जो कि हमने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग की बीबीडी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती होंगी, तो वो एक्टिविटीज़ क्या है चलिए आपको वो बताते हैं। NSS नेशनल सर्विस स्कीम, ये वहाँ पर एक आपको काम मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, अगर आप कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ में आपको हिस्सा लेने में बहुत इंटरेस्ट है, कि आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ पे NSS है, NCC नेशनल कैडेट कोर्स जानते ही हुए, और BBD का FM यानी BBD का FM स्टेशन भी वहीं पे बना हुआ, वहाँ पे आप अगर आपको FM में इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप एज अ जॉकी काम कर सकते हैं, रेडियो जॉकी। और उसके लिए आपको वहाँ पे मतलब मैम लोग होंगे, सर होंगे, उनसे आप बात करिए, अपने टैलेंट दिखाइए, तो आपको वो वहाँ पे बताएंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा करियर सपोर्ट एट BBD, यानी करियर सपोर्ट जो हमारे BBD में मिलेगा। तो आपको बता दें कि BBD में कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, कई लोगों ने कमेंट किया था YouTube पे मेरे वीडियो पे, कि आप ये बताइए कि वहाँ पर कंपनीज आती हैं कि नहीं आती हैं, प्लेसमेंट्स होता है कि नहीं होता। तो आपको बता दें कि प्लेसमेंट होता है, अच्छा होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, मतलब अगर आप कितने अच्छे हैं तो कंपनी उतनी अच्छी आपको मिलेगी, उतना अच्छा पैकेज मिलेगा। बाकी कंपनी आती, कौन कौन सी कंपनी आती है उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, SCL, ICICI Bank, Oppo Mobiles, Kotak, PhonePe, Vedantu, Upgrade, HSBC, Gemini Solutions और महिंद्रा बैंक, इसके साथ बहुत सारी इसमें लिखी हुई हैं, पढ़ते पढ़ते वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सी कंपनियां आती हैं वहाँ पे, 110 से प्लस कंपनीज़ वहाँ पे आती हैं, जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ। और बच्चों के द्वारा भी मुझे ये पता चला कि वहाँ प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, आपके पढ़ाई को देखते हुए प्लेसमेंट अच्छा होगा रिजल्ट को देखते हुए। अब आते हैं, ये देखिए प्लेसमेंट का इसमें पूरा प्लेसमेंट अच्छा ग्लैंस बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं आगे, अब BBD में आप जाहिर सी बात है पढ़ने आए हैं, तो जाहिर सी बात कॉलेज का कुछ फ़न भी होता है, कॉलेज के कुछ इवेंट्स होते हैं, जो कि आप हर बच्चा चाहता है कि कॉलेज में कुछ इवेंट्स हो। तो आपको बता दें, जैसे ही आप BBD में पहले दिन एंटर करेंगे
तो पहले सप्ताह में ही आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको कॉलेज के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती हैं कि कॉलेज कैसा है, आपका जो जिस भी आप विभाग में आपने एडमिशन लिया तो उस विभाग से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, और साथ ही साथ में आपको कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस भी उसमें आपने कैंपस में आपने एडमिशन लिया है तो उसके बारे में आपको सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। वहाँ के सीनियर्स आपसे मिलेंगे, इंटरेक्ट होंगे, सब चीज़ें वहाँ पर होगी, और उसमें सहभागिता भी आपको करनी ज़रूरी होती है क्योंकि वो कॉलेज का पहला प्रोग्राम होता है। अब आते हैं कॉलेज के कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आगे चल के होते हैं, तो वो है पहला तो उत्कर्ष। उत्कर्ष बीबीडी में होता आ रहा, आपकी पहला साल था जब मैंने भी उत्कर्ष को एंजॉय किया। उत्कर्ष में पूरा बीबीडी के ही बच्चे बीबीडी को सजाते हैं, एक बहुत अच्छा नया रूप देते हैं, और उसके बाद उसी बीबीडी उत्कर्ष फंक्शन 3 दिन का होता है जिसमें खाना पीना नाचना गाना सब चीज़ें होती हैं, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, गाने का हो गया, हर चीज़ का, तो ये भी होता है। उसके साथ हमारा बीबीडी का फाउंडर्स डे होता है जो कि 31 तारीख को अब की होता है, जिसमें आशीष कौर, मिथुन और इरफान खान आए थे गाने के लिए, इरफान खान तो ये थे, उससे पिछली बार इससे पहले गुरु रंधावा लोग आए हुए थे, तो मतलब ये फाउंडर्स डे भी वहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, ये इसमें देख सकते हैं आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के इसमें किताब में तो बाकी एल्यूमिनी के बारे में लिखा हुआ, यहाँ के जो लोग अच्छे पढ़ के निकल गए उनके बीबीडी का अचीवमेंट क्या क्या था वो सब लिखा हुआ, तो वो सब तो आपका जो है आपको जब ये बुक मिलेगी तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिलती जाए। हाँ, अब आते हैं रैगिंग के ऊपर। तो देखिए, रैगिंग के लिए यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं, आपकी रैगिंग नहीं हो सकती है, कुछ नियम है यहाँ पर जो कि डिसिप्लिन में ही आपको रहना है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो वहाँ पर एंटी रैगिंग सोसाइटी, आप उसमें जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और बेझिझक आप अपने हेड से या टीचर से बता सकते हैं। बीबीडी का ये आला वीडियो हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो ये थी बीबीडी की ये किताब जिससे हमने आपको बताया, स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन बुकलेट इसका नाम है, जिससे हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब आगे की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, जो कि है कोर्सेज को लेकर, कि कौन कौन सा कोर्स बीबीडी में होता है, कौन कौन सा कोर्स ऐसा आप कुछ सोच रहे होंगे मानी नहीं होता है या होता है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ हमें दीजिए विदा, नमस्कार।